वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूजेंट के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इन सिंपल टर्म्स, अ लेजेंड इज अ स्टोरी हू एवर हैज मोर देन जस्ट अ स्टोरी, इट हैज़ अ बिट ऑफ हिस्ट्री टू इट। क्या मतलब हुआ कि लेजेंड जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो कल्चर है उसका हिस्सा बन जाती है। टिपिकली दीज स्टोरीज स्टार्टेड एज ओरल स्टोरीज दैट टुक ऑन अ लिटल ऑफ देयर ओन। इट मीन्स आर्ट की स्टोरीज जो हैं वो बेसिकली स्टार्टेड तो ऑरली ही होती हैं, जैसे कि ओरिजिनली आप वर्बली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, और वर्बली जो चीज़ें हैं जो पास ऑन होती हैं जस्ट लाइक द मैथ्स। ठीक है, दूसरी बात ये कि अ लेजेंड टेल्स एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ करेक्टर लाइक अ हिस्टोरिकल अकाउंट दैट कुड बी पॉसिबल। इट मीन्स आर्ट के आप जो हैं लेजेंड में बेसिकली हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख रहे हो। हिस्टोरिकल इवेंट्स मीन के हिस्ट्री से रिगार्डिंग आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, या हिस्ट्री में जो चीज़ें थी, जो पर्सन था जैसे बहुत ही लेजेंडरी काम किया, या जो मेन करेक्टर था उसने बहुत मतलब यू कैन से कि स्ट्रगल की अपने लाइफ में, किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लेजेंड होते हैं जिसमें पर्सन जो है वो मेन करेक्टर ह्यूमन पर्सन होगा, और रियल समझाओ जो स्टोरीज जो है वो लगती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक द मिथ्स के मिथ्स में आप देखते हैं करेक्टर वो वाले होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन लेजेंड जो है वो करेक्टर हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि किंग आर्थर ऑफ द राउंड टेबल वॉज एन एक्चुअल किंग। आपने देखा लेजेंड जो था उसमें किंग आर्थर जो है था वो बेसिकली स्टोरी में वो एक्चुअल किंग एग्जिस्ट करता था हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग ये स्टोरी जनरेट हुई। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स क्या, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कि लेजेंड को लेजेंड बनाते हैं, वो बेसिकली ये हैं कि नरेटिव अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल फिगर और प्लेस। यानी नरेटिव अकाउंट कि आपने जो आपको लेजेंड है वो नरेटिव यानी पर्सन जो है वो खुद नरेट कर रहा है अपनी जो जो भी हिस्टोरिकल फिगर, जो भी अपनी लाइफ हिस्ट्री थी। ठीक है, स्टेज विद इन द रेम ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी उसमें पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं, मतलब कि जो आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं माइट बी इट इज पॉसिबल इन द हिस्ट्री, राइट? ऐसा नहीं है कि आप उस पर यकीन ही ना कर सको। इवॉल्व्स ओवर द टाइम, टाइम यानी ओवर द टाइम जो है वो चीज़ें जो हैं होती गई, चेंज होती गई, बट ये जो चीज़ें थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिलोंग कर रही थी। डिस्टिंक्ट सेटिंग, बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग होती है। ऑब्वियसली टाइम हैज चेंज, नाउ वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, सो दैट्स वेयर द सेटिंग कुड बी चेंज, राइट? इंक्लूड्स बिलीवेबल मिरेकल्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो सुपर नेचुरल जैसे होती हैं मिथ्स में होती हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी जिन पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे जो मिरेकल्स यानी इवन मिरेकल्स हुए हैं तो वो भी उस पर आप बिलीवेबल होते हैं कि आप उस पर यकीन कर सकते हो, दैट इट कैन बी ट्रू। टोल्ड लाइक फैक्चुअल ह्यूमन हिस्ट्री, लाइक इसमें यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री, जैसे मैं पहले बात करी थी कि ह्यूमन हिस्ट्री पे बेस्ड करता है, तो ऑब्वियसली ये फैक्ट्स से रिगार्डिंग होता है, राइट? इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होंगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।